नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी ऐसे समय में चल रही है जब कोरोना का संक्रमण भी अपने चरम पर है। योगी दोबारा सत्ता में लौटेंगे या नहीं, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसके अनुसार योगी सत्ता में दोबारा लौट रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो योगी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 36 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहा, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, 3 साल के अंदर ही सबकी कुर्सी चली गई। योगी ने पहला रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है, 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या दोबारा योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी के बाद कोई दोबारा लगातार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। तो योगी इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अगर वो सफल होते हैं तो पिछले 36 साल के राजनीतिक रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे और इस रिकॉर्ड की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कई तरह की मान्यताएं भी हैं और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा किसी की सरकार नहीं बनती है, जो एक बार आया दोबारा सत्ता में नहीं आता है। और इसका कारण भी है क्योंकि 1985 से कोई भी राज्य में लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाया या मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। तो विपक्ष सत्ता परिवर्तन को लेकर आश्वस्त है कि ये तो परंपरा चली आ रही है उत्तर प्रदेश में पिछले 36 साल से कि दोबारा कोई सरकार नहीं बना पाया, दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो योगी की सरकार चली जाएगी। लेकिन योगी इस रिकॉर्ड को, इस परंपरा को, इस अंधविश्वास को तोड़ने में जुटे हुए हैं। योगी उत्तर प्रदेश के पिछले 36 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और भी कई ऐसे अंधविश्वास हैं। कहा जाता है कि नोएडा की धरती पर जिस CM ने कदम रखा उसकी सत्ता चली गई, लेकिन योगी तो लगातार जब से सत्ता में है नोएडा का दौरा कर रहे हैं, नोएडा कई बार जा चुके हैं और ये मान्यता इतनी मजबूत रही है कि अखिलेश यादव तो कभी उत्तर प्रदेश गए ही नहीं मुख्यमंत्री रहते हुए। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, उद्घाटन का कार्यक्रम था, उससे भी वो बच गए। तो मायावती नोएडा गई, उनकी सत्ता चली गई। बहुत ऐसे नेता हैं जो नोएडा गए और उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। तो मान्यता ये बन गई थी कि नोएडा जो आया दोबारा CM नहीं बन पाया या उसकी कुर्सी चली गई। लेकिन योगी इसे अंधविश्वास मानते हैं और लगातार वो नोएडा का दौरा कर रहे हैं। तो देखना ये भी है कि नोएडा बार बार जाने के बावजूद क्या योगी फिर से सत्ता में लौट पाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो अंधविश्वास का भी कुछ कारण होता है, उसके पीछे भी कोई कहानी होती है। बीजेपी के अलग अलग वर्षों में 4 CM बने हैं और कल्याण सिंह ने 2 बार, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह ने 1-1 बार प्रदेश की कमान संभाली है। हालांकि इनमें से कोई भी लगातार 3 साल से ज़्यादा कुर्सी पर आसीन नहीं रह सका। तो इसको लेकर की मान्यताएं हैं। बीजेपी ने राज्य में पहली सरकार 1991 में बनाई थी, तब वह पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। कल्याण सिंह ने 24 जून 1991 को शपथ ली थी, 6 दिसंबर 1992 तक इस पद पर वो बने रहे। लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उनकी सरकार बर्खास्त हो गई। अगर सरकार बर्खास्त नहीं होती तो शायद वो सत्ता में बने रहते, लेकिन कारण जो भी हो वो भी 5 साल तक कुर्सी पर कायम नहीं रह सके। कल्याण सिंह 1997 में फिर से मुख्यमंत्री बने और 1999 तक बने रहे। अगर कल्याण सिंह के कार्यकाल को जोड़ दिया जाए, दोनों कार्यकाल को, तो 3 साल से ज़्यादा कुर्सी पर रहे, लेकिन एक साथ लगातार नहीं रहे। कल्याण के इस्तीफे के बाद राम प्रकाश गुप्ता 12 नवंबर 1999 को मुख्यमंत्री बने और 28 अक्टूबर 2000 तक पद पर रहे, यानी 1 साल से भी कम समय के लिए वो मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे, उनका कार्यकाल भी सीमित था। इस तरह 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले योगी राज्य में बीजेपी के पहले CM हैं। दोबारा भी वो CM बनना चाहते हैं और सर्वे उनके पक्ष में आ रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या जो 36 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति में परंपरा चली आ रही है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर अंधविश्वास चला आ रहा है, उसे तोड़ देंगे योगी
क्योंकि एक कहानी मुझे आगरा की भी याद आती है, आगरा गेस्ट हाउस में कोई सीएम डर से नहीं ठहरता है कि वहाँ ठहरने पर उसकी कुर्सी चली जाएगी, लेकिन योगी वहाँ भी गए, वहाँ भी ठहरे। अखिलेश और मायावती ने कभी हिम्मत नहीं जुटाई उस गेस्ट हाउस में ठहरने की। जब भी गए वो 5 सितारा होटलों में ठहरे, लेकिन योगी अंधविश्वास को धरता बताते हुए उस गेस्ट हाउस में ठहरे। तो कई अंधविश्वास हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, कई मान्यताएँ हैं, परंपराएं हैं, उसको तोड़ने को लेकर योगी काफ़ी जोर लगाते हुए दिख रहे हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव नोएडा से इतना खौफ खा गए थे कि उन्होंने 2013 में नोएडा में आयोजित एशियाई विकास बैंक शिखर सम्मेलन तक में शिरकत नहीं की। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुख्य अतिथि थे और लखनऊ से रिमोट कंट्रोल के जरिए नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी अखिलेश यादव ने किया था। तो अखिलेश यादव और मायावती कितनी डरी हुई हैं नोएडा को लेकर, ये सबको पता है, लेकिन योगी तो लगातार नोएडा से जुड़े हुए हैं। अगर योगी इस सब के बावजूद दोबारा सत्ता में आते हैं तो एक नया इतिहास बनेगा, और योगी को वैसे भी बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री माना जाता है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा योगी दूसरे राज्यों में लोकप्रिय हैं और उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार भी माना जाता है। अगर योगी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ सत्ता में लौटते हैं तो जाहिर है कि वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी बन जाएंगे। नतीजा तो आ जाएगा, 2 महीने का इंतज़ार करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।